दोस्तों, दस्त यानी कि जुलाब का होना एक ऐसी आम बीमारी है जो कभी ना कभी हर किसी को हो ही जाती है। कई बार दस्त के कारण शरीर में पानी की कमी और कमजोरी आ जाती है। बहुत सी दवाई लेने के बावजूद अगर सही खान पान का ध्यान ना रखा जाए तो ये प्रॉब्लम दूर नहीं होती। इसलिए दस्त के दौरान आपका खान पान कैसा होना चाहिए, आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा, जो कि इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से दूर करने में बहुत मदद करेगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस प्रॉब्लम में आपको किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। दस्त होने पर क्या खाना चाहिए? दस्त होने पर हमेशा ये बात ध्यान में रखें, इस दौरान हाजमे को दुरुस्त रखने के लिए दिन भर में थोड़ा थोड़ा खाना खाएं और बिल्कुल सादा खाना खाएं। इससे पाचन तंत्र को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है और इसे आराम मिलता है, जिससे कि वो दस्त को जल्दी ठीक कर पाता है। इसमें आप मुलायम, लो डाइट्री फाइबर और कच्ची चीज़ों की बजाय पकी हुई चीज़ों का सेवन करें। दस्त में पानी की कमी को दूर करने के लिए नींबू पानी और नारियल पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसी तरह दस्त में शहद और दही का सेवन करना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अनाज में आप पुराना चावल, दलिया और ओट मील को शामिल कर सकते हैं। दालों में आप मूँग और मसूर दाल का इस्तेमाल करें। फलों और सब्जियों में आप परवल, लौकी, तुरई, करेला, कद्दू, मौसमी सब्जियां, केला, जामुन, अनार और बेल को शामिल करें। दस्त होने पर क्या नहीं खाना चाहिए? दस्त के दौरान दरअसल हाजमा बहुत कमज़ोर हो जाता है, इसलिए ऐसे वक्त में कभी भी ज़्यादा तेल मसालेदार चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, गन्ने का रस, दूध, पनीर, मक्खन, डिब्बाबंद चीज़ें, बेकरी प्रोडक्ट्स और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। अनाज में आप नया चावल और मैदे का सेवन कभी भी ना करें। दालों में आप मटर, काबुली चना और उड़द दाल का इस्तेमाल ना करें। फलों और सब्जियों में आप अंगूर, कटहल, बीन्स और बथुआ के सेवन से परहेज करें। हाजमे की कमज़ोरी की वजह से ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से हज़म नहीं हो पाती, जिससे दस्त रुकने में रुकावट पैदा होती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी दस्त यानी कि जुलाब होने लगे तो इन तमाम बातों को ज़रूर अपनाएं और जितना हो सके इस वीडियो को अपने मिलने जुलने वाले सभी लोगों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इस प्रॉब्लम को बिना दवाओं के घर बैठे ही ठीक कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को भी शेयर करें, ताकि हर कोई इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।